नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट क्लासेस में। आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मल्टीपल चार्जेस और ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। कल तक आपने क्या सीखा था कि मैंने एक यहाँ पे चार्ज रख दिया क्यों, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर, जहाँ की पॉइंट पी पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस फील्ड पर आपको ई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक चार्ज की वजह से। तो आपने फाइंड किया ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब आपने डेरिवेशन फाइंड प्रूव किया था तो इसमें कहीं पे क्यू नोट नहीं आया, जो मैंने इस पॉइंट पे चार्ज रखा था क्यू नोट, कि ये वाला इस पे एफ फोर्स लगाता है, एफ बराबर आता है k q q नोट अपॉन r स्क्वायर। तो ई मैंने एक रिलेशन से फाइंड कर लिया था, ठीक है, ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नोट, और एफ की वैल्यू करके मैंने ई को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ई जो डिपेंड करता है क्यू पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, इस मीडियम पे डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं बोल सकता हूँ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, पहला रिलेशन। जो रिजल्ट आए थे कल के बता रहा हूँ मैं, जो मैंने आई मीन लास्ट टाइम जो लेक्चर था मेरा उसमें जो आए थे। नंबर टू, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था आर स्क्वायर के, कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे ही डिक्रीज होगा, ठीक है, स्क्वायर के टर्म्स में। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना हैवी चार्ज होगा, उतना उसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिलेशन से। और मैं कह दूँ कि इस पे करता है इनवर्सली का रिलेशन। नंबर थर्ड, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि जितना हैवी आप मीडियम लोगे उसके फील्ड की इंटेंसिटी उतनी घटेगी। कैसे? अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे क्यों लेता हूँ, ये पहले तो रखा हुआ है एयर में, तो इस पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, इसकी फील्ड की इंटेंसिटी मान के चलो कोई है 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब मैं मीडियम चेंज कर देता हूँ, अब मैं मीडियम चेंज करके वाटर ले लेता हूँ या कुछ भी ले लेता हूँ, मतलब अदर मीडियम है, इससे डेंसर मीडियम है, तो इसकी परमिटिविटी इतने ही डिस्टेंस पर, इस चार्ज का जो फील्ड होगा इतने ही डिस्टेंस पर, लेस देन 100 होगा, लेस देन 100, क्योंकि वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा है, और अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो फील्ड कम होगा, ठीक है। ये कल के रिजल्ट थे, लेकिन ये बेटा चार्ज कितना था, एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज है, एक ही पॉइंट है, एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं इस ही पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहूँ, लेकिन चार्ज एक ना हो, चार्ज एक से ज़्यादा हो जाए, और अगर चार्ज एक से ज़्यादा होंगे तब क्या होगा, तो देखो फाइनली बता ही दे रहा हूँ डायग्राम के हिसाब से। सपोज करो मैं पॉइंट पी मानता हूँ, ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक चार्ज यहाँ पे क्यू वन रखा हुआ है आर वन डिस्टेंस पे, इसका पोजिशन वेक्टर कितना है आर वन वेक्टर, एक चार्ज यहाँ पर क्यू टू रखा है, इसका पोजिशन वेक्टर है आर टू वेक्टर, और यहां पर एक पॉइंट पी है जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसका पोजिशन वेक्टर है आर नॉट वेक्टर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज क्यू टू, और ये भी डिस्चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्यू वन क्यू टू पर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ ऐसे फोर्स लगाया, मतलब उसका फील्ड इधर को होगा और इस पॉइंट पर इधर को फील्ड होगा। तो आपने ई वन को देख लिया, ई वन वैक्टर ये आया, आपने ई टू को देख लिया, ई टू वैक्टर कुछ ये आया, ठीक है। अच्छा, ये ई वन वैक्टर है, ये ई टू वैक्टर है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आपको मिल चुकी, कितनी मिली, ये वेक्टर क्वांटिटी ई वन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इस पॉइंट पर एक फील्ड इधर को आया, एक फील्ड इधर को आया, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड आया वो आया ई, और ई इज इक्वल टू, मतलब ई वेक्टर कितना आया, ई वेक्टर, तो जो कि इक्वल टू होगा ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर, वेक्टर के हिसाब से ऐड कर रहा हूँ, वेक्टर एडिशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती तो नॉर्मली हम जोड़ देते, ठीक है, लेकिन ये कैसे जुड़ेंगे, वेक्टर के हिसाब से, ठीक है, तो वेक्टर एडिशन हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे ई वन फाइंड करना पड़ेगा, फिर ई टू फाइंड करना पड़ेगा, और उन दोनों को वेक्टरली ऐड कर दूंगा या ज्योमेट्रिकल ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट इंटेंसिटी आ जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले फाइंड करेंगे ई वन, तो ई वन के लिए क्या करते हैं, ई वन इक्वल टू होगा, देखो यहां से यहां इधर को ई वन है, ई वन इक्वल टू होता है उस फॉर्मूले के हिसाब से, एक चार्ज की वजह से निकालू फिर दूसरे की वजह से, तो पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी देखता हूँ ई वन कितनी है, तो ई वन होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई चार्ज कौन सा है, क्यू वन, आपको क्यू नॉट से मतलब नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले में क्यू नॉट नहीं आया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज में डिपेंड नहीं करती, करती तो किससे, जिससे कि वो फील्ड बना, मतलब क्यू चार्ज से, तो ये क्यू चार्ज से फील्ड बना है, क्यू नॉट से थोड़ी बना है, क्यू नॉट का वो फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, तो कितना होगा क्यू वन अपॉन, अब डिस्टेंस कौन सी लूँ, तो फिर से देखो दोबारा बता रहा हूँ, ये चार्ज
ये ओरिजिन ओ, एक चार्ज आर वन पोजिशन वैक्टर पे क्यू वन रखा हुआ है, एक चार्ज आर टू पोजिशन वैक्टर पे क्यू टू रखा हुआ है, एक चार्ज आर नोट पोजिशन वैक्टर पे क्यू नोट रखा हुआ है। ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसकी वजह से, एक इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से, दो चार्ज की वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा, इसका फील्ड कुछ ऐसे होगा, इसका फील्ड कुछ ऐसे होगा। अब मैं ई1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ई1 के लिए मुझे क्या करना होगा, ई1 फाइंड करूंगा, ई1 इक्वल टू 1/4π0Q1, इसकी वजह से बनाना, अपॉन डिस्टेंस कौन सा लूँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 से 0 की तरफ यार, नोट की तरफ, तो आर 1 नोट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ई1 वेक्टर, तो इधर भी डायरेक्शन शो करूँगा, तो R1 नोट कैप, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कुछ ऐसे, तो E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4π0Q1/R1 और R1 वेक्टर R1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक कैप है तो वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये तो होता है। तो आप बोल सकते हो कि E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4π0 Q1 upon R1 naught की पावर 3 और R1 naught वेक्टर, इधर वेक्टर, इधर वेक्टर, इक्वेशन नंबर आपने E1 फाइंड कर लिया। अब बात करता हूँ E2 कैसे फाइंड करोगे, तो E2 फाइंड करने के लिए E2 फाइंड करना है आपको, E2 को देखिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा E2 किससे बना, E2 बना Q2 से, तो Q2 अपॉन कितने डिस्टेंस पर है बेटा, ये वाला डिस्टेंस देखो, Q2 से Q नोट, तो इट मीन्स R2 नोट, 2 से नोट तक जा रहा है, 2 से 0 तक, तो ये होगा R2 नोट स्क्वायर, और डायरेक्शन बेटा R2 नोट कैप इस डायरेक्शन में। अब क्या करोगे आप, सिंपल वही प्रोसेस, E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4π0 Q2 अपॉन R2, इसे मैं लिख दूंगा स्क्वायर है R2 नोट कैप वेक्टर अपॉन R2 0 इसका मैग्नीट्यूड। अब पावर हो जाएंगी 3, तो E2 वेक्टर इक्वल टू कितना आया, 1/4π0 Q2 अपॉन R2 नोट की पावर 3 और R2 नोट वेक्टर। तो देखो R1 की वजह से क्या आया था, सेम Q1 R1 नोट की पावर 3 R1 नोट, 2 की वजह से क्या है, यहाँ पे 2-0 हो गया, 4 सेकंड हो गया, ये भी सेकंड, ये फर्स्ट चार्ज था R2 नोट। अगर सिमिलरली मैं कहूँ, अगर E3 हो, मतलब कि एक चार्ज Q3 कहीं पे रखा हुआ, वो फोर्स लगा इस पे, तो E3 इक्वल टू कितना आएगा, आप बोल दोगे सिमिलरली E3 बेटा कितना होगा, 1/4π0 Q2 की जगह Q3 अपॉन R2 नोट की जगह R3 नोट की पावर 3 और R3 नोट वेक्टर, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, समझ में आ रही ना बात। और अगर मैं डेंसनेस बोलूँ, धीरे धीरे आप EN को क्या बोल सकते हो, अगर N चार्ज का सिस्टम हो, दो चार्ज का सिस्टम था तो ऐसे था, तीन का होता है ऐसे, अगर मैं बोलने लगूँ ये चार्ज N हो, N चार्ज मेरे के एक पॉइंट पर फोर्स लगाएं, एक पॉइंट पर फील्ड लगाएं, एक पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, तो वो होगा 1/4π0। अब देखो Q3 तो यहाँ पर होगा Qn अपॉन R30 का मतलब RN0 की पावर 3 और RN0 वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर n, जो भी आप कहना चाहो, अरे भाई n भी इक्वेशन होगी। तो अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा, जब दो चार्ज थे तो E1 प्लस E2 वेक्टर था, और अगर n चार्ज सिस्टम हो तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 डैश 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 EN वेक्टर, ठीक है, इन सारों को सम कर दोगे। लेकिन कैसे सम, वेक्टर सम, तो वेक्टर सम के लिए बोलता हूं मैं यहां पे कि देन नेट फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, कि एन चार्ज सिस्टम है, तो बेटा कितना होगा सम, मैं रफ करके दोबारा बता दे रहा हूँ कितना होगा, देखो आप बोलोगे ई टोटली नेट वेक्टर ई नेट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश
ई एन वेक्टर, तो कितना होगा बेटा 1/4πε0 क्यू वन अपॉन आर वन नोट की पावर 3 और आर वन नोट वेक्टर। ई वन की वैल्यू मैंने रखी, मैंने ये ई टू है, ई वन की वैल्यू मैंने रख दी, अब ई टू की रखता हूँ 1/4πε0 क्यू टू अपॉन आर टू नोट पावर 3 और आर टू नोट वेक्टर। डैश या डैश प्लस में करता जाऊँगा कितने तक हो जाएगा एन तक, तो एन वाली वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 क्यू एन अपॉन आर एन नोट की पावर 3 और आर एन नोट वेक्टर। ठीक है, ये आपका आता ई नेट। मैं इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ 1/4πε0 हर एक से कॉमन आता है, तो मैं कह दूँ कि 1/4πε0 का कॉमन ले लेता हूँ और ये आ गया आपका क्यू वन अपॉन आर वन नोट की पावर 3 और आर वन नोट वेक्टर प्लस क्यू टू अपॉन आर टू नोट की पावर 3 और आर टू नोट वेक्टर। इस तरह से क्यू एन अपॉन आर एन नोट पावर 3 आर एन नोट। ओके अब क्या, कुछ नहीं, बस इसे समेशन की फॉर्म में दिखा देता हूँ मैं। इतना आपका ई नेट आया, अब मैं कुछ इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सारों का समेशन हो रहा है तो समेशन वाली फॉर्म क्या होती है रफ कर दे रहा हूँ मैं। देखो अच्छा भाई, हाँ समेशन वाली फॉर्म, तो आप मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि ई नेट जो होगा वो होगा 1/4πε0 हर एक में आना है कॉमन है सिग्मा। बेटा सम कहाँ से चला, वन से चला, कहाँ तक गया एन तक चला, चार्ज एन है लेकिन मैं बोलूँगा आई बराबर वन से आई बराबर एन तक। ये आई कहाँ रखूँ भाई, जहाँ पे वन और टू थ्री फोर थ्री मतलब एन तक रखने हैं, तो वन की जरूरत यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जीरो नोट है टू थ्री, इस तरह चलता जा रहा, तो मैं ऐसा हो सकता हूँ क्यू आई अपॉन आर आई नोट की पावर 3 और आर आई नोट वेक्टर। अब तुम क्या करो, आई की जगह वन रख के देख लो, टू रख के देख लो, थ्री रख के देख लो, उसका ऐड कर दो। आपने वन रखा तो क्यू वन आर वन की पावर 3 आर वन नोट। इस तरह से आप टू भी रख सकते हो, सम कर सकते हो, इस तरह से एन का सम हो सकता है, तो आपका आ गया ई नेट ई। इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, एक और फॉर्म। अब आप मुझे ये बताओ, जैसा कि मैंने कूलाम्स लॉ में पढ़ाया था, देखो ये वेक्टर कितना है आर वन वेक्टर, ये वेक्टर कितना है आर नोट, तो मुझे इतना पता है कि वेक्टर मतलब आपने 11th क्लास में वेक्टर लॉ में पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ये है एक वेक्टर है तो सम कितना होगा इस वेक्टर का, आप इनिशियल से सीधा फाइनली ज्वाइन कर दो। अगर ये आर वन वेक्टर है और अगर ये आर वन नोट वेक्टर है, आर वन वेक्टर आर नोट वेक्टर, तो बेटा ये कितना होगा, ये होगा आर वन प्लस आर वन नोट वेक्टर। ये तो आपने पढ़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, और ये है कितना आर वन नोट, सॉरी आर नोट वेक्टर। अरे भाई दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया कि आर वन वेक्टर प्लस आर वन नोट वेक्टर इक्वल टू आर नोट वेक्टर। और आप कह सकते हो आर वन नोट कितना होगा, तो आर वन नोट वेक्टर जो होगा वो होगा आर नोट माइनस आर वन वेक्टर। देखो आर वन नोट है तो आर नोट पहले आया माइनस आर वन, अगर मैं कहूँ आर टू नोट वेक्टर क्या होगा, तो इस तरह से आप बोल दो कि आर नोट वेक्टर माइनस के आर टू वेक्टर। अच्छा अगर मैं कहने लगा आर एन नोट वेक्टर क्या होगा, आप बोलोगे आर जीरो आर नोट माइनस के आर एन इस वेक्टर। क्लियर है, तो अब बस मैं इस चीज को वहां पे अप्लाई करने वाला हूँ, कैसे, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा आई बराबर 1 to n क्यू आई अपॉन आर वन नोट मतलब आर जीरो माइनस आर आई, सॉरी आर आई नोट मतलब आर जीरो माइनस आर आई, तो आर नोट माइनस के आर आई वेक्टर की होल पावर 3। मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है नीचे, और यहां पर क्या आएगा आर नोट माइनस के आर आई वेक्टर। ये फॉर्म दूसरी हो गई, फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है इसमें,
सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वैसे आ जाता है प्रूफ करने के लिए, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है ना। यह था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब चार्ज एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं चार्जेस। तो देखो मैं बोलता हूँ एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, कितना चार्ज है आपको? ये चार्ज क्यू वन, ये चार्ज क्यू टू, ये चार्ज क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव, पांच चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप बोलोगे देखो इसकी वजह से इधर को हुआ ई वन, कोई डाउट तो नहीं है, इसकी वजह से इधर को हुआ ई टू, कोई डाउट, वेक्टर डायरेक्शन में है, इसकी वजह से हुआ ई थ्री इधर को, इसकी वजह से हुआ ई फोर इधर को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और इसकी वजह से हुआ क्यू फाइव इधर को, ई फाइव इधर को। अब क्या करना है? सिर्फ इनको वेक्टर के हिसाब से ऐड कर देना है। तो बेटा कितना होगा? ई वेक्टर जो नेट आएगा वो होगा ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर प्लस ई थ्री डैश डैश ई फाइव वेक्टर। यही तो मैंने सिखाया आप लोगों को, अभी भी तो सिखा के बैठा हूँ कि अगर दो चार्जेस हैं तो ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर, और एन चार्ज है तो एन वेक्टर, ठीक है ना। ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सॉरी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के हिसाब से हुआ है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक पॉइंट पर बहुत सारे चार्ज की वजह से। आप एक चार्ज की वजह से इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक चार्ज दिया तो आपने सिंपल सा बोल दिया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहीं आपको एन चार्ज दे दे तो कोई नहीं भाई, सबको वेक्टर के साथ जोड़ दो, ठीक है ना, क्लियर है। ओके आज में इतना ही, थैंक यू।